नेक्स्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके जो हमारे पास सिंपल एक्टिव वॉइस में हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव, और वर्ब की जो फॉर्म लगती है इसमें वो लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो बनेगा हैज बीन और हैव बीन, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब मैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल। आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड दिस कोर्स। जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये बनेगा दिस कोर्स, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज बीन इसके साथ लगे, दिस कोर्स हैज बीन स्टडीड बाय, आई इज चेंज इन टू वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क्स। आवर वर्क्स हमारे पास क्योंकि ऑब्जेक्ट था यहाँ पर बनेगा सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस आवर वर्क्स। अब वर्क्स है तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव बीन, आवर वर्क्स हैव बीन फिनिश्ड बाय, वी है तो अस लगेंगे। अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाऊं तो ये बनेगा आवर वर्क्स हैव नॉट बीन फिनिश्ड बाय अस, और अगर मैं इसी को इंटरोगेटिव बनाऊं हैव आवर वर्क्स बीन फिनिश्ड बाय अस और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह एक दो जुमले और हम चेंज करते हैं ताकि ये आसान हो, क्लियर हो। टीचर हैज डिलीवर्ड द लेक्चर, जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये बनेगा द लेक्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय द टीचर। He has broken the chair. The chair has been broken by him.